गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री विद्या शिववाम भाग निलया श्रीकार मंत्रोज्ज्वला श्रीचक्र अंकित बिंदु मध्य वसती श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुख विघ्नराज जननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षी प्रणतोस्मि संततमहं कारुण्यवारामनिधि सिंदूरारुण विग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखे मापेन वक्षोरुहान् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्याये पराम्बिका। जय श्री साध्वी जी। बहुत ही सुंदर स्तुति। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एक इच्छा थी कि उनको श्री बद्रिका आश्रम के दर्शन करने थे और भगवान श्री हरि के दर्शन करने थे। सो थैंक यू। मेरी जो प्रार्थना थी वो आपने स्वीकारी और आप हमें यहाँ पे ब्लॉग में आने के लिए आप राजी हुई। मैं बहुत आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। आप सब ये जो विग्रह देख रहे हैं फ्रेम में, वही है हमारे भगवान श्री हरि। और 4 अप्रैल 2014 में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी यहाँ पे इसी जगह पे। और ये जो स्थान है वो मेरे लिए, साध्वी जी के लिए, सबके लिए वैकुंठ से कम नहीं है। इट इज़ वैकुंठ इन फैक्ट। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे संस्मरण यहाँ ये जो स्थान है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आज आपके साथ बहुत सारी बातें हम साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे साध्वी जी से एक प्रश्न पूछना है कि आप श्री बद्रिका आश्रम और ओम स्वामी जी के सेवा में काफ़ी सालों से प्रवृत्त हैं और हाल ही में आपने एक किताब लिखी है, भगवान और भक्त, और बहुत ही सुंदर किताब है। मैंने जस्ट अभी पढ़ना शुरू किया है। सो क्या हम आपसे ये विनती कर सकते हैं कि उस किताब से, उस पुस्तक से आप कोई एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा इंसिडेंट हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाएं जो आपके लिए, आपके हृदय के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। धन्यवाद परिती यहाँ आश्रम आने के लिए और श्री हरि को घर घर तक ले जाने के लिए। तो भगवान तो बहुत सुंदर है, जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही जीवंत है। इनकी मुस्कान, इनकी आँखें, तो मुझे 10 वर्ष हो जाएंगे अभी 30 नवंबर को, गुरुजी के बर्थडे के दिन 10 साल इस आश्रम में हो जाएंगे। तो आज तो मैंने सन्यासी वस्त्र पहने हुए हैं और एक सन्यासी का हाव भाव है, पर हमेशा ऐसा नहीं था। 10 साल पहले मैं भी शहर में रहती थी, आई वॉज़ अ सिटी गर्ल, एंड कभी सोचा नहीं था, फादर आर्मी में थे, कि पूजा प्रार्थना से भगवान भी मिल सकते हैं या भगवान को भी हम देख सकते हैं। कभी इतने मंदिर नहीं देखे जैसा डिफेंस में होता है। तो उस विचारधारा के साथ मैं इस आश्रम में आई थी, क्योंकि दोनों ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था और कहीं जाने के लिए नहीं था। सो वही सारी प्रवृत्तियाँ थी जो संसार में किसी की भी होती हैं, उसी तरह की
टेंडेंसीज एंड एफ्लिक्शंस. सो मुझे अभी भी याद है, दिसंबर की बात है 2015 की, तब मैं सन्यासी नहीं थी और मैंने एक बार गुस्से में कह दिया कि ये आरती गाने से क्या होता है, रोज़ रोज़ मंदिर में सुबह 7 बजे आरती गाई जाती है, शाम को श्री हरि की 7 बजे आरती गाई जाती है. तो गुरुदेव ने कहा था कि आरती गाने से मन शांत होगा. उस दिन मेरा मन बहुत ही अशांत था, मैंने कहा कि वो तो वही आरती है, वही चीज़ बार बार गाने से क्या होगा. उस समय तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गए. मुझे एहसास तो हुआ कि मैंने कोई गलती की है, लेकिन उस समय इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी. मैं चली गई शाम को आरती के लिए, बहुत रोई अपने लिए, ना भगवान के लिए ना किसी के लिए, कि पता नहीं कब उनकी कृपा होगी और मैं ठीक होंगी. उस रात को ये जो विग्रह आप देख रहे हैं, ये मैं उसको स्वप्न भी नहीं कह सकती, क्योंकि भगवान साक्षात जैसे मंदिर में खड़े हैं, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ मेरे सामने, उसको माइंड आए या आज्ञा चक्र कहेंगे, वहाँ भगवान थे. एक अच्छा उदाहरण, मुझे नहीं पता क्या होगा, ऐसे मान लीजिए कि मुझे ये अनुभूति हुई कि भगवान गर्भगृह में ही खड़े हैं, लेकिन वहीं से, जैसे हम कोई व्यक्ति अगर बालकनी में खड़ा हो और नीचे देख रहा हो, तो नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर उठा के देखना पड़ता है भगवान. तो ऐसे ही भगवान गर्भगृह में खड़े हैं और वहीं से वो मेरे मन के अंदर देख रहे हैं. और उन्होंने मुझसे बस यही कहा, मेरा नाम उस समय डॉली होता था, उन्होंने कहा डॉली मेरी आरती नहीं गाओगी. और मैं इतनी ज़्यादा स्वप्न में ही, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ. और उसके बाद जो भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, इतनी ब्लाइंडिंग लाइट थी वो, कि देखिए भगवान स्वप्न में आ जाए एक अलग चीज़ है, लेकिन भगवान का आयुध जिसके बारे में सिर्फ सुना ही होगा, इतनी ब्लाइंडिंग लाइट, इट वॉज एन एक्सप्लोजन ऑफ लाइट. उसको देखते ही मैं उठ गई, बिल्कुल ऐसे सीधा, ऐसे सर पे हाथ रख के ये कहते हुए कि मैं गाऊंगी. वो दिन गया और आज का दिन है, मैंने कभी आरती गानी नहीं छोड़ी. रोज मैं गाती हूँ और श्री हरि की आरती से ही मेरा जीवन बदल गया. और मुझे उस दिन से ये विश्वास होना शुरू हो गया कि भगवान भी साक्षात विराजमान है यहाँ और उनका सुदर्शन चक्र भी. तो ये मेरे हृदय के बहुत नजदीक है. थैंक यू साध्वी जी, बहुत ही सुंदर किस्से के साथ, एक कथा के साथ ये संवाद की शुरुआत हुई है. और मुझे एक बात याद आ रही है, स्वामी जी काफ़ी बार साध्वी जी के बारे में कहते हैं कि स्वामी जी और भगवान के बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो साध्वी जी अपने किताबों में, अपने पुस्तकों में रिवील कर देती है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपने ओम स्वामी एज वी नो हिम नहीं पढ़ी है, मस्ट रीड. रेन मेकर नहीं पढ़ी है, मस्ट रीड. बुक ऑफ फेथ और हाल ही में भगवान और भक्त, बहुत ही सुंदर पुस्तक आया है, जिनके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे ताकि आप उसे परचेज कर पाएँ. और एक बहुत ही सुंदर बात यह है कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा विग्रह की स्थान पर हुई थी, उसी वक्त पे स्वामी जी ने, जो साक्षात भगवान श्री हरि का ही एक, उनके ही एक अंश है, उनके ही एक अवतार हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो भी साधक यहाँ पे तंत्र साधना की महेच्छा लेकर आएंगे, जो भी काबिल होंगे, उनको ये विग्रह जो है वो साक्षात मार्गदर्शन देंगे. तो ये एक बात भी ओम स्वामी एज वी नो हिम में लिखी गई है. और आगे जाकर ये जो क्षेत्र है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुक्ति क्षेत्र उन्होंने कहा था, ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थान है, उसे मुक्ति क्षेत्र के नाम से भविष्य में जाना जाएगा. तो कथाएं तो बहुत सारी है, लेकिन दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं. जैसा कि साध्वी जी ने कहा कि पूर्वाश्रम में शी वॉज अ सिटी गर्ल, मेरा दूसरा प्रश्न साध्वी जी यही था कि पूर्वाश्रम में एक अत्याधुनिक सांसारिक जीवन आपने जिया, और उसके बाद सडनली एक बहुत ही ज़्यादा सादगीपूर्ण सन्यासी के तौर पर आप अभी जो है वो बहुत ही सुंदर जीवन जी रहे हैं. आपकी अनुभूति इस वक्त पर क्या कह रही है आपको? ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है.
मेरा अनुभव यही रहा है 10 वर्षों में कि गुरु कृपा से कुछ भी संभव है। तो जो हमारे गुरु जी हैं, जो हमारे स्वामी जी हैं, उनके तप से ये आश्रम एक तपोभूमि है। उनके तपस्या से, उनके प्रेमवश यहाँ साक्षात महाविष्णु और महालक्ष्मी विराजमान है। कोई भी साधक, कोई भी शिष्य अगर गुरु के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पे, उनके द्वारा बताई गई साधनाएं विधि पूर्वक अगर इस क्षेत्र में करेंगे तो उनकी साधना का सफल होना निश्चित है। और मेरे अनुभव यही है कि संसार में हम जिन भी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो भी हम संसार में पाना चाहते हैं, कोई भी हम उपाय करते हैं, तो भगवान की पूजा को, उनकी आराधना को, सबको एक रेमेडी की तरह यूज़ करते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए अगर हम ये साधना कर लेंगे या ये कोई उपाय कर लेंगे। पर भगवान की जो आराधना है वो एक निरंतर एक उपासना है जो जीवन पर्यंत आपको करनी है। और भले ही इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी ना हो, लेकिन आपको असीम बल और शांति मिलेगी। सो मेरा अनुभव यही है कि बस अगर आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई इष्ट हैं, तो बस उनके शरण में ही आपको जाना है और सब कुछ वही है। एक बड़ी सुंदर बात मेरे जहन में आती है कि अगर एक शिष्य को, अगर एक साधक को कोई ऐसी साधना का स्थान मिल जाए जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो, तो साधना का सफल होना निश्चित है। मंदिर में जैसे दिया होता है ना, जैसे जल रहा है, ऐसे ही भगवान की साधना मन को शुद्ध कर देती है और आपका जो हिडन पोटेंशियल होता है, एक नया व्यक्ति ही बाहर आता है निकल के। जब एक बच्चा छोटा होता है, 3 साल का 4 साल का, अगर वो ये जिद करे कि उसे बुलेट बाइक चाहिए और वो कितना भी उसके लिए रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन उसके माता पिता को ये बात पता है कि अगर उसे बाइक दी गई तो ना तो वो उसके ऊपर बैठ पाएगा, ना ही वो उसे चला पाएगा, तो बच्चे को ये शायद लग सकता है कि माता पिता मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं, मेरी सुन नहीं रहा कोई। लेकिन माता पिता को ये पता होता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो वैसे ही हमारे भगवान को सब पता है, हमारे स्वामी जी को सब पता है कि उनके शिष्यों के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रश्न आज के समाज में हमें देखने को मिलता है और बार बार लोग पूछते रहते हैं कि अगर जो भी आज की एक जेन जी लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लाइफ हो चुकी है, लोग निरंतर भाग रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, सबके जीवन में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है कि किसी के पास श्वास लेने तक का भी समय नहीं है। इस भाग दौड़ के बीच में आध्यात्मिकता और भौतिकता, इन दोनों के बीच में कैसे एक इंसान, एक साधक जो है वो संतुलन साध पाए? तो आपने ठीक कहा, ये बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है। अब मैं ये सोच रही हूँ क्या इसका एक ऑनेस्ट आंसर दिया जाए आपको, या फिर थोड़ा सा शुगर कोट करके। बिकॉज इवन इन एन आश्रम एक सोशल प्लेस हो जाती है, क्योंकि निरंतर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप मिल रहे हैं लोगों से। और संसार में भी तो यही है, आप अपने कार्य कर रहे हैं, आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, एवरीथिंग एड्स ऑन। लाइफ की अपनी परेशानियां होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं, तो दोज चैलेंजेस डोंट सीज। तो एक बड़ा रॉन्ग व्यू लेके लोग यहाँ आते हैं ये सोच के दैट ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है और जो वर्ल्ड है वो एक मटीरियल प्लेस है। But the truth is that spiritual place is inside you. It's in your heart. Shri Hari ke yahan hone se, Bhagwan ke, Guruji ke yahan hone se, hum bas usko
वो जो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल प्लेस है उसको महसूस कर पाते हैं, एक रास्ता दिख जाता है कि ऐसे चलना है इस पे, कि भगवान से इस तरीके से कनेक्ट करना है। वही पूजा जो हम घर में करते हैं, वही पूजा जो एक मंदिर में करते हैं, आश्रम में करते हैं, उसका प्रभाव बहुत अलग होता है। बट टू से दैट द वर्ल्ड इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्लेस, आई वुड से इज रॉन्ग, बिकॉज वेर एवर यू गो योर माइंड गोज विद यू। यहाँ भी लोग आके रहते हैं, मानसिक रूप से कभी परेशान होते हैं, बहुत पीस महसूस करते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम स्वयं पे काम नहीं करेंगे, साधना को, जैसे गुरुजी कहते हैं मन को साधना है, तो मन को साधने की प्रक्रिया, क्योंकि हर कोई तो आश्रम नहीं आ सकता, अपना घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है, सो लाइक ही ऑलवेज सेज दैट यू कैन नॉट से दैट वन इज बेटर देन द अदर। कोई भी कार्य जब पूर्ण रूप से किया जाए विथ 100% सिंसियरिटी, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे घर की सफाई करना हो, चाहे मन की सफाई करना हो, अगर पूर्णता से वो कार्य किया जा रहा है तो वहीं भगवान का वास है। तभी शायद कहा गया है कण कण में भगवान है। लोग संसार में रह के भी एक बहुत ही सुंदर जीवन बिताते हैं और यहाँ आके भी लोग दुखी रहते हैं। सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन how you want to spend your time, what you want to do with your thoughts. And one thing is for sure, कि आप कहीं भी होंगे, ये जीवन आपको चैन से बैठने नहीं देगा। हम कितने ही आपको प्यारी प्यारी बातें बता दें, दुख भी आएंगे, परेशानी भी आएगी, कभी आप हाथ भी उठा देंगे कि अब हमसे और नहीं होगा, तो भगवान को ही पुकारते हैं। मुझे लगता है शायद भगवान का जीवन में होने का सबसे बड़ा जो एक सुख यही है कि आप कितने ही दुखी क्यों ना हो, माता पिता को पुकार लें, और लोग हैं जीवन में जिनको आप प्रेम करते हैं उनको पुकार लें, पर कोई आपको सहारा या सांत्वना तो दे सकता, पर कोई बचा नहीं सकता। तो ऐसे में भगवान ही आते हैं। और वो कैसे आते हैं? हृदय में एक तरंग उठती है, एक उम्मीद उठती है, उस दुख में, उस आंसू में भी आपको लगता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि पूरा शांति और जो एक सुख हम और एक आशा जो हम मन में महसूस करते हैं, बस वही भगवान है। तो जो भी कार्य करना है, जहाँ भी करना है, जैसे भी करना है, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और उसी में बस 100% जुट जाइए। कि अगर पुरुषार्थ भरा जीवन होगा, एक मेहनत से अपने दिन को बिताएंगे, तो कभी ये ना सोचना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे कि आज भगवान को याद करने का समय नहीं मिला, क्योंकि फिर आपको हर चीज में भगवान ही महसूस होंगे। स्वामी जी ने अपने ही संस्मरण इफ ट्रूथ बी टोल्ड में एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जब उनको माँ, देवी माँ का साक्षात्कार हुआ था और जो अनुभूति हुई थी उस वक्त पे, जो देह के अंदर होता है, सारे, चाहे हम सेल्स की बात करें, मांस पेशियां की बात करें, या फिर कोई भी हम ऑर्गन्स की बात करें, आँखों की बात करें, ये सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो पूरा बॉडी है, इट इज़ लाइक अ कॉस्मिक बॉडी। कि तारे भी असंख्य हैं, उतने ही हमारे अंदर देह के अंदर कोश हमें प्राप्त होते हैं, करोड़ों आकाश गंगाएं, एक इतना ज़्यादा विस्तृत ब्रह्मांड हमारे अंदर ही समाया हुआ है कि हमें कभी कभार ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम खुद ईश्वर के ही अंश हैं। और जैसा स्वामी जी ने लिखा है कि उनकी जब खोज, उनकी जो माँ के लिए जो पुकार थी, जब वो साक्षात्कार हुआ तब उन्हें यही रियलाइजेशन हुआ था कि जिन्हें मैं खोज रहा था वो तो मैं स्वयं ही हूँ। तो इसी के साथ बहुत ही ये जो एक बात लोगों की रहती है कि हम कैसे भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में संतुलन साध पाएं, क्रक्स आपने जो बताया कि अगर आप अपना प्रत्येक कार्य आध्यात्मिक भाव के साथ कर रहे हैं तो वो भगवान की ही प्राप्ति हो रही है, फिर वो भौतिकता नहीं कही जाएगी। आपका हर एक कार्य आध्यात्मिक कार्य बन जाएगा, आपका हर एक कर्म साधना बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आपको प्रतिदिन सुबह भगवान श्री हरि के इतने सुंदर श्रृंगार की सेवा दी गई है, और हम लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि आप उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार और दुलार से तैयार करते हैं। तो उस वक्त पे एक चीज और भी ध्यान में आती है कि कुछ ना कुछ आपका जो संवाद है वो चलता रहता है उनके साथ। तो आज ये जो एक रहस्य है, ये जो एक मिस्ट्री है, वो हम सबके लिए ओपन अप कर ही दीजिए कि आप भगवान के साथ सुबह क्या संवाद करते हैं। So this secret is worth its weight in gold. क्योंकि ये तो मैंने अभी कहीं लिखा नहीं है और बहुत ही पर्सनल भी है. पर थोड़ी सी मेरी जर्नी ट्रेस करते हैं. तो सुबह जब मैं बाहर अंधेरा होता है और मंदिर के पट खोलती हूँ, तो भगवान बिल्कुल एक छोटे बच्चे की भांति, जैसे जो नींद से उठा होता है, बिल्कुल वैसे प्रतीत होते हैं. तो क्योंकि श्री हरि में साक्षात नारायण भी हैं और माँ जगदम्बा भी हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, बट कभी भगवान छोटे कृष्णा की भांति लगते हैं, कभी माँ का बाल स्वरूप होता है. तो सुबह के समय मैंने कभी, रेयरली ऐसा हुआ है कि भगवान को या माँ को किसी और स्वरूप में देखा, हमेशा एक बाल स्वरूप होता है. और मैं शुरू के 15 मिनट में अंदर की भीतर की लाइटें नहीं ऑन करती, तो बाहर की एक मध्यम रोशनी चल रही होती है, तो उसमें मैं उनको प्रणाम करके जब उनके चरण छूती हूँ और उनकी ओर देखती हूँ, तो उनकी आंखों में एक, चाहे उसे रिफ्लेक्शन कह लें, चाहे शैडो कह लें, चाहे भगवान की कृपा कह लें, ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे गहरा आकाश होता है ना, गर्मियों में एक नीला सा उसमें एक रंग रहता है, तो भगवान की आंखों में एक वैसी ही चमक होती है बच्चों के जैसे, और एक शरारत छलक रही होती है सुबह सुबह. तो सुबह का अनुभव हमेशा मेरा यही रहा है कि बस भगवान जो हैं अब रेडी बैठे हैं कि आ गई हो, अच्छा, आप मुझे तैयार करो. तो मुझे बहुत, क्योंकि मुझे पता था कि आज होगा इंटरव्यू, तो मुझे था कि ऐसा ना हो जाए कि जो मेरे भगवान हैं, मेरा यही भाव होता है कि कभी भी अगर हम गूगल पे जाते हैं या कहीं भगवान के मंदिरों में या पुरानी फोटोज होती हैं जो सेंचुरी से किसी ने, पेंटर्स हुए कोई बहुत बड़े बड़े, कोई छोटे छोटे लेकिन बहुत टैलेंटेड, तो विष्णु भगवान की जो पेंटिंग्स बनाई हैं उनमें कभी पता ही नहीं चलता है. भगवान बड़े सुंदर होते हैं लेकिन चेहरा थोड़ा ऐसा, थोड़ा शरीर कुछ ऐसा, लेकिन हमारे श्री हरि, क्योंकि ये जो स्वामी जी थे जब ये मूर्ति बनी थी, तो उन्होंने जो शिल्पकार थे उनके खान में एक मंत्र कहा था कि वही याद करके वो भगवान को तराशेंगे. तो हालांकि मैं इतने मंदिर नहीं गई हूँ, तो मैंने आज तक जितने भी मंदिरों की फोटो देखी है सब कुछ देखा है, पर क्योंकि मैंने इन्हीं को देखा है तो मुझे ये सबसे सुंदर लगते हैं. तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि आने वाले जो सेंचुरी हैं, आने वाले जो लोग हैं, आजकल इंटरनेट है सब कुछ है, तो जब वो विष्णु भगवान को गूगल करें तो किसी को भगवान की नाक टेढ़ी या आंख ऐसी या वो ना दिखे, उनको एक्चुअली भगवान का स्वरूप दिखे. तो इसी भाव से मैं भगवान को तैयार करती हूँ कि बस इतने सुंदर हैं, वैकुंठ में श्रीहरि बैठे हैं, यहाँ श्रीहरि बैठे हैं, तो कोई देखने वाला, कोई भक्त है, कोई साधक है, उसके मन में ये दुविधा न रहे कि भगवान कैसे दिखते हैं. भगवान ऐसे दिखते हैं, और अगर उनका वैसे स्वरूप देखना हो तो हमारे स्वामी जी को देख लीजिए. तो बस यही मेरी वो है. और रही बात हमारी क्या बात होती है, क्योंकि ये इतने सुंदर लगते हैं, जैसे जैसे मैं इनको तैयार करती जाती हूँ ये बस निखरते जाते हैं, तो बार बार बस अंदर से यही निकलता है, आई लव यू श्री हरि, आई लव यू. एक बच्चा माता पिता को क्या कह सकता है. तो इसके चलते बस मुझे यही क्रक्स है पूरी, एक भक्त और एक भगवान का, और एक बच्चे और एक भगवान के रिश्ते का. तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना हो.
अपना सेवा तुम्हारी, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सेवा तुम्हारी। मुझे याद है आपने शायद एक मेडिटेशन सेशन में या फिर कहीं पे कहा था कि कभी कभार ये होता है कि आप भगवान को एक पर्टिकुलर रंग के वस्त्र पहनाना चाहते हैं लेकिन भगवान पहनना ही नहीं चाहते, एंड देन वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर आप पूरा जो कपोर्ड है वो छान लेती है कि क्या करो क्या क्योंकि आरती का टाइम नज़दीक आने वाला होता है और आपको घड़ी दिख रही होती है, एंड देन भगवान अपने आप ही आपको एक कि ये वस्त्र मुझे पहनना है। तो बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो साध्वी जी ने अलग अलग सेशंस में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सुनाए हैं। तो आई रियली बिलीव कि समय कम पड़ेगा अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो, बट आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल टू यू साध्वी जी। तो हमने एक ये जो हमारा सेशन है वो देवी माँ की स्तुति के साथ, उनके आवाहन के साथ शुरू किया था, तो पूर्णाहुति मंत्र के साथ अगर हो सके तो हम उसे पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिओं तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।